अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही चैनल वसीम राजा जयपुर में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सर्वाइकल और कंधों के दर्द का और जो गर्दन में जो दर्द होता है उसका एक बेहतरीन इलाज, क्योंकि ये खुद मेरा आजमाया हुआ है। और वाकया यूं है, 2018 में अक्टूबर के अंदर हुआ क्या है कि मेरी सिस्टर आई हुई थी अजमेर से और उन्हें कुछ सामान लेना था। वो कुछ कपड़े वगैरह लेके और उन्होंने सामान लिया और मुझसे कहा कि घर तक पहुंचा दे। असल में क्या घर ज्यादा दूर नहीं था, 350 मीटर की दूरी थी। तो वो दो कपड़े के गट्ठे थे, मैंने उनको उठाया और उठा के अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी सी दूर चला ही था तो मेरे हाथ दुखने लगे, दर्द करने लगे। फिर मैंने सोचा कि इसे जमीन पे रख दूं, लेकिन मैंने सोचा कि फिर ये गंदे हो जाएंगे, कपड़े के जो गट्ठे थे ये गंदे हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि थोड़ी सी दूर घर है, क्यों ना घर तक ही जाके रख लें। तो हुआ ये कि मेरी नसें खिंचती चली गई, लेकिन मैंने वो जमीन पे रखा नहीं और घर आकर मैंने वो चीजें रखी। तो मेरे बिल्कुल ये जो दर्द था ना, कंधों का दर्द, बिल्कुल मेरे गर्दन और कंधे में दर्द होने लगा, एकदम से नसें खींच गई। और इत्तेफाक की बात कि मुझे कोटा जाना पड़ा, क्योंकि मेरी वाइफ और बच्चे वहीं थे। जब उन्हें कोटा लेने में गया तो ड्राइव करता हुआ गया, जयपुर से कोटा की दूरी है करीबन 250-300 किलोमीटर। फिर यहाँ से सफर करना कार में और बिल्कुल एकदम स्ट्रेंथ रहना कार में जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो फिर कोटा में भी गाड़ी चलाई, फिर वहां से कोटा से वापस जयपुर रिटर्न हुए। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन हुई होगी। मेरे ये जो कंधे थे ये बिल्कुल यूं रह गए और मेरी गर्दन यूं भी नहीं होती थी, यूं। मैं इस कदर परेशान, दर्द इस कदर कि मैं कोई चीज उठा नहीं सकता, कोई काम कर नहीं सकता, लेटने में परेशानी, बैठने में परेशानी, मतलब दर्द बहुत जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना सर्वाइकल, जिनको होता है वही समझ सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसका क्या नुस्खा हो सकता है। मैंने काफी नुस्खे हैं मेरे पास में, लेकिन मुझे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए था, क्योंकि एलोपैथी में अगर मैं पेन किलर लूंगा तो मुझे पता था कि पेन किलर का असर जब तक ठीक है, लेकिन फिर वापस हो गया वही, क्योंकि मेरी सिस्टर, मेरी मदर को ये दर्द था। तो मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को, और जिन लोगों को होता है उनको पता है कि ये दर्द कैसा होता है। खैर बहरहाल मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और आखिरकार मुझे इसका इंस्टेंट रिलीफ देने वाला एक फार्मूला मिल गया, और वो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। असल में क्या हुआ कि मैं YouTube पे देख रहा था वीडियोस सर्वाइकल के, कि कोई एक्सरसाइज मिल जाए, कोई एक्यूप्रेशर। तो मुझे सुजोक थेरेपी में बहुत बढ़िया फार्मूला मिला कि जिससे कि मेरा इंस्टेंट, जो मेरी गर्दन न्यू भी नहीं हो रही थी। तो मिस्टर काशिफ खान है, जिनका एक चैनल है काम की बात, उस पर मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारे गर्दन है ना, गर्दन यहां से लेके यहां तक, इसको आप प्रेस कीजिए दोनों हाथों को, ये, क्योंकि मेरे दोनों तरफ दर्द था। तो मैंने दोनों तरफ इसको प्रेस किया और तकरीबन ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने प्रेस किया होगा, मेरे को लगा, मेरे को काफी रिलीफ लगा कि मेरी गर्दन यूं भी नहीं हो रही थी, वो यूं होने लग गई, राइट और लेफ्ट बिल्कुल होने लग गया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंधों का दर्द बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि इस पॉइंट्स को आप दबाएं, इन पॉइंट्स को आप दबाएं। मैंने इन पॉइंट्स को दबाया, ओहो क्या दर्द था। जब मैंने दबाया तो यकीन मानिए इस कदर दर्द था कि बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं इसको दबाता रहा, दिन में 4, 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 2-2, 3-3 मिनट के वक्फे से प्रेस करता, फिर छोड़ देता, प्रेस करता, फिर छोड़ देता। दूसरे दिन मुझे बड़ा आराम मिला, बहुत रिलीफ मिला। तीसरे दिन मुझे और रिलीफ मिला, और फिर एक हफ्ते के अंदर तो ये प्रॉब्लम मेरी खत्म ही हो गई। तो मैंने सोचा कि जब मुझे इतना फायदा हो सकता है, तो जो लोग सर्वाइकल से जूझ रहे हैं उन लोगों को कितना फायदा होगा। तो सुजोक थेरेपी बहुत शानदार थेरेपी है और बहुत अच्छी और कारगर थेरेपी है। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप जो भी, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है या जॉइंट्स प्रॉब्लम है या कमर में दर्द है, तो वो सुजोक एक्यूप्रेशर को अपनाएं, बहुत अच्छी चीज है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, जो दवाएं चल रही चलते रहने दीजिए। अगर इसको अपनाने में ना तो आपको कोई दवा लेनी पड़ रही है, ना आपको कोई पैसा देना पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज आपको मिल रही है और जिसका तुरंत असर हो रहा है। और फिर इसको मैंने कई लोगों के ऊपर आजमाया, मैंने हमारे जो पार्क में जो जूस पीने आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग हर्बल जूसेस लोगों को सर्व करता हूँ, उनको, लोगों की खिदमत करता हूँ,
उनको आंवला एलोवेरा करेला ये जूसेस पिलाते हैं। तो पार्क में हमारे काफी लोग आते हैं और उनको जब मैंने जिनको जो भी तकलीफ होती थी किसी के कमर में किसी के पैरों में किसी के कंधों में किसी का कहाँ किसी के कहाँ किसी के कोहनी में किसी को गैस की तकलीफ है तो गैस का ये पॉइंट है, तो मैं इस थेरेपी से इतना मुतासिर हुआ कि मैंने इसके लगभग लगभग सारे पॉइंट आजमाए अपनी मम्मी पे अपने सिस्टर पे अपने घर वालों पे अपने दोस्तों पे अपने मिलने जुलने वालों पे और उन सबको रिलीफ होता चला गया। तो उन सबको रिलीफ होता चला गया और बहुत फायदा हुआ और काफी लोगों पे मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ। असल में आज का जो वीडियो बनाने का मतलब था वो ये था कि काफी लोग सर्वाइकल और इससे जूझ रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, दवा लेते हैं कुछ टाइम असर होता है फिर खत्म, फिर वही हालत कंडीशन हो जाती है। तो मैं तो अपने ऊपर जो बीती है मैंने आपको बता दी, जब मुझे फायदा हो सकता है तो आपको भी फायदा हो सकता है, बस शर्त यह है कि आप ध्यान से समझ के इस थेरेपी को करें। आप YouTube पे सर्च करें, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, एक चैनल मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, काम की बात, मिस्टर काशिफ खान है जो कि इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। आप उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, वो जो पॉइंट्स बताए उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको जरूर फायदा होगा, 100% फायदा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।